चिकन स्टिक से चालू होता है और चिकन ब्रेस्ट, फिर उसके बाद लेग पीस आ गया, और उसके बाद में कलेजी और मटन सीख कबाब, और उसके बाद मटन टिक्का या फिर मटन कबाब बोल सकते हो, और ये क्या है, चिकन पकौड़ा। और भैया बताइए आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा खास क्या है? चिकन पकौड़ा, चिकन कारी, लेग पीस, अपना चिकन चिल्ली भी है बेस्ट में, चिकन चिल्ली जी, मटन चाप, मटन कबाब, एग रोल हो गया, राइस हो गया, चाउमीन हो गया, चिकन रोल हो गया। और इनके पास मैं देख रहा हूँ कि जैसे इसका नाम है ना साहू चिकन पॉइंट, चिकन का वैरायटी बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में अवेलेबल कराते हैं ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हाँ जी, तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ रायपुर का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। रायपुर के स्ट्रीट फूड में नॉन वेजिटेरियन में एक मोस्ट फेमस शॉप है जहाँ पे आप लोगों को मटन, चिकन और सारा वैरायटी अवेलेबल है चाइनीज़ फूड कॉर्नर में, और इसका नाम है साहू फास्ट फूड सेंटर, या फिर स्ट्रीट फूड कॉर्नर बोल लो, या फिर साहू फास्ट फूड पॉइंट बोल लो। NIT कॉलेज के सामने ये एड्रेस पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को एक से एक आइटम है, सारा कुछ दिखाऊंगा, यहाँ का एक प्यारा सा फूड रिव्यू आप लोगों के लिए, और वीडियो देख के बताना कि ये लोकेशन में आप लोग आए हो कि नहीं और यहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट किए हो कि नहीं। चलिए दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है और यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है अपने पास में। तो ये रहा साहू चिकन सेंटर, या फिर चिकन पॉइंट बोल सकते हो, स्ट्रीट फूड कॉर्नर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैरायटी इनके पास में, चिकन स्टिक से चालू होता है और चिकन ब्रेस्ट, फिर उसके बाद लेग पीस आ गया, और उसके बाद में कलेजी और मटन सीख कबाब, और उसके बाद मटन टिक्का या फिर मटन कबाब बोल सकते हो, और ये क्या है, चिकन पकौड़ा। इसके बाद में ऑप्शन बिरयानी का भी है क्या अपने पास में? चिकन राइस है, फ्रेड राइस है। यहाँ के ओनर से बात कराता हूँ, ओनर की तरफ से पता चला है कि 7-8 साल से ये रन कर रहे हैं NIT कॉलेज के सामने, और अधिकतर कॉलेज स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और रायपुर के लोग तो मस्त ट्राई करते हैं। बिराई से भी कोई आता है क्या? सब तरफ से आते हैं, मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो चुके हो आप साहू फास्ट फूड सेंटर के नाम से। और कितने साल से रन हो रही है आप ही बता दीजिए? कम से कम यहाँ पे 6-7 साल हो गया है रन करते। 6-7 साल हो गया है। और ओपन करने का समय शॉप का? शाम को 4:30 बजे से 11 बजे तक। 4:30 बजे से रात के 11 बजे तक। और एग रोल भी प्रोवाइड कराते हैं आप? एग रोल अपना डालडा में बनता है कि नॉर्मल? नॉर्मल बनाते हैं तेल में। और भैया बताइए आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा खास क्या है? चिकन पकौड़ा, चिकन कारी, लेग पीस। चिकन पकौड़ा, चिकन कारी, लेग पीस ज़्यादातर कस्टमर डिमांड में, अधिकतर लोग ले जाते ही हैं। जोमेटो और स्विगी में भी अवेलेबल है क्या? स्विगी में है, स्विगी में। और पोर्ट कलेजी भी लोग ट्राई करते हैं। मैंने वैरायटी आप लोग ना नॉन वेज में बहुत सारा दे रहे हो स्ट्रीट फूड कॉर्नर में, इतनी वैरायटी मैं कहीं नहीं देखा था। और जो पीस भी देख रहा हूँ मैं, ये हलाल वाला है कि अपना नॉर्मल वाला है? झटका वाला है, झटका वाला है ये। तो आप लोग देख सकते हो वैरायटी इनके पास में, और यहाँ पर आके ट्राई करना तो बनता है। आपका मेन्यू दिखा दीजिए भैया। इनके पास में मेन्यू में आप लोग आइटम देख सकते हैं, मतलब जो प्राइस रेट है ना इनका बहुत ही रीजनेबल है, और क्वांटिटी ये ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी के नाम से फेमस है साहू चिकन पॉइंट। और भैया पार्टी ऑर्डर भी लेते हो? अभी नहीं ले रहे हो पार्टी ऑर्डर? अगर आप लोग को कांटेक्ट करके आना है तो कांटेक्ट करके भी आ सकते हो, नंबर दिख रहा है आप लोगों को। बाकी प्राइस डिटेल ये है, पीछे भी कुछ आएगा भैया? इसके पीछे कुछ नहीं है। और बताइए कुछ खास आपकी दुकान का? अपने चिकन चिल्ली भी है बेस्ट में, चिकन चिल्ली जी, मटन चाप, मटन कबाब, मटन और चिकन दोनों के वैरायटी रखे हो आप, और अपना एग में एग रोल हो गया, एग रोल हो गया, राइस हो गया, चाउमीन हो गया, चिकन रोल हो गया। अधिकतर लोग मतलब यही सब ट्राई करते हैं, चिकन स्टिक हो गया आपके यहाँ का, या फिर हो गया चिकन पकोड़ा, चिकन लेग पीस। और इसमें मैरिनेशन जो यूज़ कर रहे हो अरारोट का तो नहीं है अपना? नहीं है ना। तो भाई रायपुर में रह के अगर साहू चिकन पॉइंट में आप लोगों ने विजिट नहीं किया है ना अब तक, तो कुछ भी ट्राई नहीं किया आप लोगों ने, सही से ही बताऊँ तो, क्योंकि मैं इनके पास में वैरायटी देख रहा हूँ। नॉन वेज जो लवर है ना उनको मस्ट विजिट करना चाहिए साहू फास्ट फूड पॉइंट, और यहाँ का ट्राई करना चाहिए। और NIT कॉलेज के
अधिकतर स्टूडेंट यहाँ आते ही है टेस्ट करने के लिए। चलिए कुछ लगवाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। देख सकते हो इनका जो सेटअप है ना वो बहुत ही शानदार है। वहाँ पे आप लोगों को पूरा रोल आइटम हो जाता है और यहाँ पे ये पूरा फ्राइड आइटम और रेट भी जो है ना एकदम रीजनेबल रखा गया है। मटन चिकन दोनों प्रोवाइड करा दिया जाता है। अधिकतर रायपुर के लोग यहाँ पर आते ही है टेस्ट करने के लिए। तो साहू फास्ट फूड पॉइंट के नाम से स्विगी में भी अवेलेबल है ये, तो आप लोग उसमें भी ट्राई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो एग रोल लवर है ना उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो रोल ट्राई बनाया जाता है वो अपना ऑयल में बनाया जाता है। तो चलिए साहू चिकन पॉइंट जो कि NIT कॉलेज के सामने पड़ता है वहाँ का चिकन ही टेस्ट करके देखते हैं। चिकन में यहाँ पे मैं ले लिया हूँ काड़ी, और इनके काड़ी में ना अच्छा खासा बड़ा बड़ा पीस मिलता है आप लोगों को। अगर गिन के बताऊँ तो 5 पीस चढ़ जाता है इसमें, और 5 पीस भी इस साइज का मिल रहा है आप लोगों को। तो 50 रुपये के कॉस्ट में ये स्टिक वैलिड, मतलब बोल सकते हो कि सही की रेट है। और उसके साथ में मैं ले लिया हूँ यहाँ का थोड़ा सा मंग लिया हूँ इनका कलेजी पोर्ट, जो कि ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है। पहले इनका चिकन पीस ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, ऊपर से अलग से कुर्रुम टेस्ट आ रहा है, और चिकन भी ना फ्रेशली यूज़ किया गया है यहाँ पे। और इनके पास मैं देख रहा हूँ कि जैसे इसका नाम है ना साहू चिकन पॉइंट, चिकन का वैरायटी बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में अवेलेबल कराते हैं ये, तो आप लोग भी आ सकते हो साहू चिकन पॉइंट। टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है, इनके पास में वैरायटी बहुत सारा है। लेग पीस हो गया, चिकन चेस्ट पीस हो गया, उसके बाद में यहाँ पे चिकन चिल्ली हो गया, चिकन पकौड़ा हो गया, कटलेट हो गया, फिर उसके बाद इनका है ये स्पेशल जिसको आप लोग बोल सकते हो कलेजी पोर्ट। अलग ही लेवल का टेस्ट है। तो चिकन पोर्ट कलेजी भी बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ में यहाँ पे जो चटनी दिया गया है ना, ये सिलबट्टे पे पिसा हुआ चटनी है, साथ में प्याज, और ये अपना हो जाता है चिकन स्टिक। तो टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है साहू चिकन पॉइंट, आप लोग भी आ सकते हो। और इनके पास में ना स्विगी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जिनको घर में मंगा के खाना है वो घर में मंगा के भी खा सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और मिलता हूँ अगले व्लॉग में ऐसी किसी अच्छे लोकेशन के साथ में। और साहू चिकन पॉइंट आना आप लोगों का बनता है, ट्राई करो आके, कैसा लगता है मेरे को बताना कमेंट करके।